हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि लाइटरूम ऐप की मदद से कैसे डार्क ब्लू टोन फोटो एडिट करें। कुछ इस टाइप से हमारी फोटो एडिट होने वाली है और वीडियो के लास्ट में मैं आपको वन क्लिक में भी फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ। सो गाइस, बिना किसी देर के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपनी गैलरी में चले आना होगा। जिस भी फोटो को आपको एडिट करना है उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। देन आपको यहाँ पे नीचे ही साइड एक ऑप्शन मिल जाएगा शेयर वाला, यू के इस पर टच करिएगा। अब गाइस, आप लोग लाइटरूम ऐप में इसको शेयर कर लेना होगा। सो गाइस, जैसे आपकी फोटो लाइटरूम ऐप में आ जाती है, सबसे पहले आपको करना है नीचे चढ़ा के ऑप्शन आपको मिल जाएगा एडिट्स वाला, यू के इस पर टच करिएगा। अब गाइस, आपको यहाँ पे सिंपली कलर्स वाले टूल्स पे चले जाना होगा। जैसे गाइस, आप लोग यहाँ पे कलर्स वाले टूल्स पे जाते हैं, आपको इसकी जो टेम्परेचर गाइस इसके अमाउंट को यहाँ पे प्लस 15 कर लेना होगा। एंड इसकी टिंट के अमाउंट को गाइस यहाँ पे प्लस 20 कर लेना होगा। एंड इसकी वाइब्रेंस पे चले आना होगा, इसके अमाउंट को गाइस यहाँ पे प्लस 17 कर लेना होगा। फिर गाइस यहाँ पे आपको ऊपर साइड चले आना होगा, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मिक्स रोल्स का, यू के एक बीच पे टच करिएगा। अब गाइस, आपके सामने यहाँ पे ढेर सारे कलर्स निकल के चले आएंगे। इन्हीं कलर्स की मदद से मैं आपको यहाँ पे टोनिंग क्रिएट करना बताने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, स्किन टोन को एडजस्ट करना होगा। उसके लिए गाइस आपको यहाँ पे सिंपली ऑरेंज कलर पे चले आना होगा। इसकी ह्यू के अमाउंट को गाइस यहाँ पे -10 कर लेना होगा। एंड इसकी सैचुरेशन का अमाउंट को यहाँ पे -20 कर लेना होगा। एंड इसकी लूमिनस का अमाउंट को गाइस यहाँ पे +30 कर लेना होगा, जिससे कि आपकी जो स्किन है वो ब्राइट हो जाएगी। देन गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपली येलो कलर पे चले आना होगा। इसकी ह्यू के अमाउंट को गाइस आपको कर लेना होगा -100। एंड इसकी सैचुरेशन का अमाउंट को भी -100 कर लेना होगा। एंड इसकी लुमिनस के अमाउंट को गाइस यहाँ पे -29 कर लेना होगा। देन गाइस, जैसे इतना हो जाता है, आपको करना क्या होगा, सिंपली ग्रीन कलर पे चले आना होगा। इसकी ह्यू के अमाउंट को -100 कर लेना होगा। एंड इसकी सैचुरेशन के अमाउंट को भी -100 कर लेना होगा। एंड इसकी लुमिनस गाइस इसके अमाउंट को यहाँ पे -30 कर लेना होगा। और गाइस, जैसे इतना हो जाता है, आपको यहाँ पे सिंपली ब्लू कलर पे चले आना होगा। इसकी ह्यू के अमाउंट को गाइस यहाँ पे -64 कर लेना होगा। एंड इसकी जो सैचुरेशन है गाइस, इसके अमाउंट को आपको यहाँ पे -25 कर लेना होगा। जैसे गाइस इतना हो जाता है, आपके यहाँ पे सिंपली इसको कर लेना होगा डन। अभी आपको गाइस यहाँ पे सिंपली ऊपर साइड चले आना होगा, ग्रेडिट्स वाले टूल्स दिखा दिया जाएगा, यू के बस पे टच करिएगा। अब गाइस आपको करना क्या होगा, तीसरे नंबर पे चले आना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं जिसका नाम है हाइलाइट्स। आने के बाद आपको यहाँ पे एक एरो मिल जाएगा नीचे की साइड, यू के बस पे टच करिएगा। अब गाइस आपको करना क्या होगा, इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन को यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। सो गाइस, इसकी ह्यू के अमाउंट को आपको कर लेना होगा, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं 230 कर लेना होगा। जैसे गाइस इतना हो जाता है, मीन्स 230 इतना हो जाने के बाद गाइस आपको करना क्या होगा, इसकी जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन का अमाउंट क्या है, +42 कर लेना होगा। जैसे गाइस इतना हो जाता है, आपको करना क्या होगा, इसकी जो देख सकते हैं ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग के अमाउंट के यहाँ पे +72 कर लेना होगा। एंड इसकी बैलेंस के अमाउंट को गाइस यहाँ पे +20 कर लेना होगा। देन गाइस यहाँ पे आपको करना क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पे किनारे पे मिल जाएगा ग्लोबल का ऑप्शन। ग्लोबल वाले पे ऑप्शन पे आ जाने के बाद गाइस करना क्या होगा, इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन को भी यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। सो गाइस, इसकी ह्यू के अमाउंट को यहाँ पे 216 कर लेना होगा, मीन्स 216 कर लेना होगा। एंड इसकी सैचुरेशन के अमाउंट को गाइस आपको कर लेना होगा यहाँ पे +35। और अगर जैसे इतना हो जाता है, आपको इसकी जो लुमिनस है गाइस, इसके अमाउंट को यहाँ पे -10 कर लेना होगा। देन गाइस, इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सीडी फ्लिप पहले नंबर पे चले आना होगा, जिसका नाम है यहाँ पे शैडोज। शैडोज पे आने पर कई करना क्या होगा, इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन को भी यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। इसकी ह्यू के अमाउंट को यहाँ पे 184 कर लेना होगा, मीन्स 184 कर लेना होगा। एंड इसकी सैचुरेशन के अमाउंट को गाइस यहाँ पे +34 कर लेना होगा। देन गाइस, जैसे इतना हो जाता है, आपको इसकी जो लुमिनेंस है, इसके अमाउंट को यहाँ पे -20 कर लेना होगा। देन गाइस अभी आपको यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ से कर लेना होगा डन। डन करने के बाद गाइस अभी आपको करना क्या होगा, सिंपली अपनी फोटो को बेहतरीन बनाना होगा। उसके लिए गाइस आपके यहाँ पे सिंपली इफेक्ट्स वाले टूल्स पे चले आना होगा। इसकी क्लैरिटी के अमाउंट के गाइस यहाँ पे +35 कर लेना होगा। एंड इसकी जो डेट रहते गाइस डीएच है, डीएच के अमाउंट के यहाँ पे +17 कर लेना होगा। देन गाइस यहाँ पे आपको सिंपली विग्नेटे पे चले आना होगा, विग्नेटे के अमाउंट के यहाँ पे -44 कर लेना होगा। एंड इसकी मिड पॉइंट के अमाउंट को गाइस आपको कर लेना होगा यहाँ पे 0। एंड इतना हो जाने के बाद गाइस इसकी जो डेट रहते फीरस है, फीरस के अमाउंट के यहाँ पे +70 कर लेना होगा। देन गाइस यहाँ पे आपको इसको सिंपली यहाँ से कर लेना होगा डन। अभी गाइस यहाँ पे अपनी फोटो के यहाँ पे स्मूथ बनाना होगा। उसके लिए गाइस आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डिटेल्स वाले टूल्स पे चले आना होगा। इसके शार्पनिंग के अमाउंट को गाइस यहाँ पे +16 करने लगा। 16 हो जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सिंपली नॉइज रिडक्शन पे चले आना होगा, इसके अमाउंट को +28 कर लेना होगा। देन आपको यहाँ पे कलर नॉइज रिडक्शन पे चले आना होगा, इसके अमाउंट के यहाँ पे +18 कर लेना होगा। ओवरऑल गाइस हमारी कंप्लीट फोटो एडिट हो चुकी है। बिफोर आप लोग यहाँ पर रिजल्ट दे सकते हैं, देन आफ्टर आप लोग यहाँ पर रिजल्ट दे सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देते हैं।
सो गाइस अगर आपको भी वन क्लिक में फोटो एडिट करें तो आपको करना क्या होगा, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीसेट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर लेना। सो गाइस फोटो को सेव करने के लिए करने का होगा, ऊपर साइड आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शेयर वाला, यू के एक बार इस पर टच करिएगा। अब गाइस आपके सामने यहाँ पे निकल के चलेगा सेव कॉपी टू डिवाइस। अगर गाइस आप लोग अपनी फोटो की यहाँ से सेव करते हैं तो आपकी फोटो की क्वालिटी कभी भी घटेगी नहीं। सो गाइस फोटो एडिट कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू, टाटा एंड बाय बाय।